Hello students, good morning to everyone. How are you? And I hope all of you are very fine. And please stay at your home. तो आज की जो लाइव क्लास है जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी वो है क्लास प्लस वन की क्लास रहेगी आज. प्लस वन का जो चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे सेट्स, एक क्लास हो चुकी है इसकी सेट्स की और उसी के रिगार्डिंग उसी को हम आगे बढ़ाएंगे. इसी क्लास को सेट्स क्लास है हमारी और लाइव जो शेड्यूल था वो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आज 8 बजे डेली सुबह 8 बजे क्लासेज होगी और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 10 प्लस 1 प्लस 2 ये क्लासेज होंगी आपकी मैथमेटिक्स की और स्कूल के जो फेसबुक पेज है इसी पर ये लाइव होंगी क्लासेस. तो आज हम सेट्स का जो पढ़ चुके थे, दो क्लास हो चुकी है वैसे पहले सेट्स की, आज ही तीसरी क्लास है और हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे. एनसीईआरटी की बुक से है ये ध्यान रखें. एनसीईआरटी जो हमारी बुक्स है मैथ की, यहां से है ये सभी. और हमें क्या करना है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करेंगे बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे पढ़ेंगे इसमें कि कौन से क्वेश्चंस इसके आगे हैं और कुछ हम इससे आगे का भी इंट्रोडक्शन करेंगे जो हमारे आधे घंटे 35 मिनट का जो भी लेक्चर चलेगा इसके अकॉर्डिंग. तो ओके स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. एक बार फिर से मैं आपको शेड्यूल बता दूं कि क्लासेज का शेड्यूल क्या है. आज है आपका ट्यूसडे, जो प्लस वन के जो क्लासेज हैं वो ट्यूसडे और फ्राइडे को रहेगी, वीक में 2 दिन चलेगी. जो प्लस वन की जो क्लासेज हैं, प्लस वन मैथमेटिक्स की जो क्लासेज हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे, टाइमिंग आपका 8 AM है, ये आपका टाइम रहेगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के. क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. देखिए जब हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को और हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी तो दो फॉर्म थी आपके रिप्रेजेंट करने की, रोस्टर और सेट बिल्डर. क्या थी आपकी, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म थी. रोस्टर फॉर्म का जो दूसरा नेम था दैट वाज ए टेबुलर फॉर्म भी इसको कहा था आपने. अब इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. इससे पहले अगर क्वेश्चंस जो थे उसमें सेट बिल्डर फॉर्म आपको गिवन थी, आपको रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना था. इस क्वेश्चन में हम जैसे फर्स्ट पार्ट से लेते हैं, 3, 6, 9, 12 है. 3, 6, 9, 12 ये आपको सेट गिवन है. कौन सी फॉर्म में है ये, रोस्टर फॉर्म में है. और आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको लिखना है. अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं. अब एक चीज क्लियर है, ये क्या है 3, 6, 9 एंड 12. तो 3, 6, 9 और 12 जो है ये आपके मल्टीपल ऑफ 3 है. क्या है आपके मल्टीपल ऑफ 3 है कि 3 की टेबल में आते हैं 3, 6, 12, 9, 15, 18 इस तरह से आएंगे. तो एक चीज तो क्लियर है ये सब के सब क्या है, मल्टीपल है. दूसरी चीज ये है कि ये मल्टीपल जरूर है बट सिर्फ कितने मल्टीपल लिखे हुए हमने, 4 ही मल्टीपल लिखे हुए सेट के अंदर. तो अगर हम बात करें कि एक्स और हम लिखते हैं एक्स इज मल्टीपल ऑफ
थ्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमने सिर्फ ये लिखा कि x इज मल्टीपल ऑफ थ्री, तो क्या होगा मल्टीपल ऑफ थ्री, तो आपके थ्री, सिक्स, नाइन, ट्वेल्व, फिफ्टीन, एटीन, ये सभी होते हैं। बट जबकि इसमें हमारे ट्वेल्व तक है, तो हमें एक कंडीशन और डालनी पड़ेगी, वो क्या होगी, देखो x जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व। अब इससे क्या होगा, x इज मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ थ्री जब हम रीड करेंगे तो थ्री, सिक्स, नाइन, ट्वेल्व, फिफ्टीन, हम सभी रीड करेंगे। बट जब हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाएंगे कि x मल्टीपल ऑफ थ्री तो है, साथ के साथ क्या है, x की जो वैल्यू है वो 12 से कम या फिर इक्वल टू 12 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन 13 लिख सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। इक्वल टू अगर लगाना है तो फिर आपको 12 लिखना होगा, बिकॉज 12 यहां लिखा हुआ है। और अगर मैं सिर्फ लेस देन की बात करें तो मैं लेस देन 13 भी लिख सकता हूं, बिकॉज 13 से कम वैल्यू जो किसके मल्टीपल है, आपके 3 के मल्टीपल है। ओके, तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपको मतलब इसका एक ही आंसर होगा, आप अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं, और अलग अलग तरीके से लिखने में ही आपको जरूरी नहीं कि आपका आंसर भी एक तरह से मैच हो। आप अपने तरीके से आप इसको लेस देन 14 भी लिख सकते हैं, लेस देन 14, तो तब भी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये तब भी सेट बिल्डर फॉर्म आपकी एज इट इज रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें कुछ और दिए हुए हैं, जैसे इसमें एक और गिवन है 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8। आई होप कि जो व्हाइट बोर्ड है इस पे आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दे रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। 2, 4, 8, 16, 32। अब ये क्या है, जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए 2, 4, 8, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 8 होता है, 2 की पावर 4, 16 होता है, 2 की पावर 5 क्या होता है आपका 32 होता है। यानी कि हमें एक तरह से पैटर्न मिल गया, लिखेंगे कैसे देखिए, ए एक्स, अब एक्स एलिमेंट जो है वो क्या है, एक्स इज 2 raised to power n, x क्या है आपका 2 raised to power n है, और n की वैल्यू क्या है, n की जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूं 1 n और 5, और n belongs to natural number, ये भी आपको साथ में लिखना होगा। अब ये क्यों लिखना है ये भी आपको बता देता हूं कि 2 raised to power n तो हमने लिखा, अब पहली चीज तो ये कि ये कंडीशन क्यों लगाई गई, ये कंडीशन लगाई गई कि जब हमें 2 लाना होगा तो हम यहां 1 पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 raised to power 1, क्या होता है आपका 2 होता है। ओके, फिर हम 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, अब हम 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, ये सब के सब नेचुरल नंबर है। अगर हम n को नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करवाएंगे तो क्या होगा कि 1 से ग्रेटर है तो 1.2 भी आ सकता है, तो हम 2 raised to power 1.2 लिखेंगे, जिसका यहां से कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं बनता उसका इस सेट के अंदर। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि पैटर्न क्या है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम कंडीशन क्या लगा सकते हैं। तो इसका क्या बनेगा, एक्स एक्स इज 2 raised to power n, और n क्या है, n आपका नंबर है 1 से 5 के बीच में, इक्वल टू 5 भी वैल्यू आपकी गिवन है। ओके, तो इस तरह से आपको लिखने हैं, जैसे इससे नेक्स्ट दिया हुआ है 5 25 125 625, इसको आप खुद लिखेंगे, बिल्कुल एडिटेड यही पैटर्न है। 5 raised to power 1 क्या होता है 5 होता है, 5 raised to power 2 क्या होता है 25, 5 raised to power 3 क्या होता है आपका 5 raised to power 3 होता है आपका 125, और 5 raised to power 4 क्या होगा आपका 625। तो ये आप सभी आसानी से आप इनको लिख लेंगे। ओके, तो इससे नेक्स्ट हम देखते हैं, इससे नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट है आपका, हाँ अब देखिए इससे नेक्स्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है, 2, 4, 6 लिखा हुआ है,
सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म में 2, 4, 6 एंड शॉ मीन्स लास्ट एलिमेंट का हमें पता नहीं है। अब लास्ट एलिमेंट का अगर हमें पता नहीं है तो हम इसको फिर कैसे शो करेंगे कि ये क्या है। ये देखिए, अब आप इसको खुद करने की कोशिश करना कि आप इसको कर सकते हैं नहीं, आपको सिर्फ पैटर्न नजर आना चाहिए कि ये क्या है, 2 है 4। अब देखो यहाँ पावर नहीं बनने वाली, ठीक है ना, यहाँ पावर नहीं बनेगी और पावर नहीं बनेगी। ये क्या बन सकता है, 2n, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। यानी मतलब इसको हम लिख देते हैं a x और x इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहां कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये क्या है आपका, इंफिनिटी इंफिनिट सेट की तरफ जा रहा है। यहां हमें लास्ट एलिमेंट का पता नहीं है तो हम इसमें आपको कंडीशन नहीं लगाएंगे। n की वैल्यू अब बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमने लिखा, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, जब हम यहाँ 3 पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपका 6 आ जाएगा। ओके, इसमें एक पार्ट रहता है, ये आप खुद करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता देना, हम इसको बाद में सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका एक्सरसाइज से, नेक्स्ट है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। अब आपको एलिमेंट बताने हैं, क्या बताने हैं, एलिमेंट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। कौन सी फॉर्म में लिखे गए हैं पता है आपको, कौन सी फॉर्म है ये, एक्स, एक्स इज एन ओड नंबर, एक्स क्या है आपका, ओड नंबर है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं, जब यहां लिखा है ना लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, तो ऑल एलिमेंट्स लिस्ट किसके अंदर होते हैं, हमेशा आपके रोस्टर फॉर्म के अंदर होते हैं। एलिमेंट जो लिस्टिंग होती है रोस्टर फॉर्म में ही शो होती है आपकी। अब देखिए इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑड नंबर्स हैं, एंड आई होप कि जो क्लास प्लस वन स्टूडेंट है उसको ऑलरेडी पता होगी ये चीज कि ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड so on। तो इसके बहुत सिंपल है, हम क्या लिखेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और लास्ट में आपको डॉट 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 लगाने हैं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर लिखा गया है। ऑड नंबर 99 भी होगा, 199 भी होगा, ट्रिपल नाइन भी होगा, 4 times 9 भी क्या होगा आपका, यही होगा। ओके, तो ये आपका किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये आपका लिखा जाएगा रोस्टर फॉर्म के अंदर, बिकॉज जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में शो होते हैं, हमेशा आपके रोस्टर फॉर्म में ही शो होते हैं। ओके, तो इससे नेक्स्ट करते हैं, एक्स इज एन इंटीजर, मैं इसी में आपको स्टेटमेंट लिख देता हूं, एक्स इज एन इंटीजर। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको बेसिक मैथ की जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक्स लेस देन 9/2, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये 0.5 है और ये 4.5, ये तो आप सभी जानते हैं। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं। आप सबको पता है इंटीजर जो है, -1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब के सब क्या है आपके इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्णांक में अपने आप में ही इसका मतलब शब्द का जो अर्थ है पूर्ण अंक, मतलब जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट ना हो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो अब ऐसा एक्स की वैल्यू देखिए, ऐसा इंटीजर जो -0.5 से क्या हो, बड़ा हो, और 4.5 से क्या हो, छोटा हो। अब -0.5 यहां आएगा, इससे बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा, 0, 0, 1, 2, 3, 4
उसके बाद आ गया फाइव, फाइव इससे क्या है बड़ा हो गया, यानी कि माइनस 0.5 से लेके और 4.5 के बीच में इंटीजर कौन कौन से हैं आपके, इंटीजर है आपके 0, 1, 2, 3, 4, सिर्फ ये बात है। ओके, एक चीज और ध्यान देने वाली है, यहां इन्होंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, बिकॉज 0.5 जो है वो आपका इंटीजर नहीं है और ना ही 4.5 आपका इंटीजर, इसलिए हम इक्वल टू का साइन ये नहीं लगा सकते। ओके, इसे नेक्स्ट करते हैं। इससे नेक्स्ट में क्या है, देखो x is an integer and x square less than equal to 4, ए एलिमेंट देखिए कौन कौन से हैं। ये बहुत मतलब आपको एक तरह से बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आपको सोचना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि ऐसा इंटीजर x is an integer जिसका अगर हम स्केयर करें तो या तो 4 हो या 4 से कम हो। अब बहुत आसान सी बात है कि आप सबसे पहले ये कहेंगे कि 1 आएगा, बिकॉज जब हम 1 का स्केयर करते हैं तो 1 होता है, 2 भी आ जाएगा, 2 का स्केयर करते हैं तो क्या होता है 4 आता है, 0 इंटीजर है, 0 का स्केयर भी क्या होता है 0 होता है। बट थोड़ा सा आपको और एक्सटेंडली सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, माइनस 1 का स्केयर भी तो 1 होता है, होता है ना, माइनस 1 का स्केयर दैट इज ऑल्सो 1, माइनस 2 का स्केयर दैट इज ऑल्सो प्लस 4, तो यानी कि जो टोटल ऐसे इंटीजर मैं लिख देता हूं माइनस 1 माइनस 2 0 1 2, अब आप इन सब का स्केयर करके देखिए, सब का स्केयर इस कंडीशन को आपका फुलफिल करेगा, इस कंडीशन को आपकी सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, माइनस 1 का स्केयर 1, 4 से कम है, माइनस 2 का स्केयर 4, 4 के बराबर है, 0 का स्केयर 0 दैट इज आल्सो लेस देन 4, 1 का स्केयर 1 दैट इज आल्सो लेस देन 4 एंड 2 स्केयर दैट इज 4 दैट इज इक्वल टू 4, ये हो गए। अब अगर मैं हल्का सा बदलाव कर दूं, इस अगर इक्वल टू के साइन को हम हटा दें, फिर देखिए क्या होगा, जैसे ही मैंने इक्वल टू के साइन को हटाया और यहां लिखा है x इज एन इंटीजर और x का स्क्वायर 4 से कम होना चाहिए, तो ये जो आपके एलिमेंट है ये आपके हट जाएंगे, यानी कि अब सिर्फ 3 इंटीजर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर 4 से कम है, इक्वल टू नहीं दे रखा हमने, 4 से कम है। थोड़ा सा अगर हम इसको और एक्सटेंड करते, मान लीजिए मैंने यहां पे 10 लिख दिया, तब फिर क्या होगा, माइनस 2 भी आ जाएगा, प्लस 2 भी आ जाएगा, माइनस 3 भी आ जाएगा और प्लस 3 भी आ जाएगा, क्यों, इन आप इन सब का स्क्वायर करके देखिए वो सब के सब क्या है, उनका सब का स्क्वायर जो है वो आपका 10 से कम ही बनेगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन है आपका। इससे नेक्स्ट बहुत सिंपल है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो लॉयल लिखा हुआ है, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में एक स्कूल का एग्जांपल दिया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, कि किसी रोस्टर फॉर्म या जो हमारे टेबुलर फॉर्म है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, एल ओ वाई ए, ये आपके इसके एलिमेंट बनेंगे, जो एल यहां पर 2 टाइम्स लिखा गया है वो जो एल है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। बहुत सिंपल था ये तो। नेक्स्ट है, एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर Not having 31 days, बहुत मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हर एक बच्चा कर सकता है, कि x is a month of a year, not having 31 days, 31 days नहीं होने चाहिए, वो मंथ लिखने हैं आपको। अब वो मंथ 31 days नहीं है तो कौन सा होगा, फरवरी होगा, आपका अप्रैल होगा, आपका जून होगा, आपका जून के बाद क्या आएगा, आपका सितंबर होगा और फिर आपका क्या होगा, नवंबर होगा। ओके, ये आप खुद करेंगे इसको। फिर है, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिड्स के, अब एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, क्या लिखा गया है, कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट प्रेसिडिंग के, प्रेसिड्स के
के से पहले क्या लिख रहे हैं आपको, जो हमारा ए बी सी डी जो इंग्लिश अल्फाबेट है इसके अंदर जब के आता है उससे पहले के सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं, समझ गए, आप खुद इसको लिखेंगे। लास्ट आपका क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, एक तरफ आपको रोस्टर फॉर्म लिखी गई है, एक तरफ आपकी क्या लिखी गई है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी गई है, 1 2 3 6 1 2 3 6। एक तरफ आपका क्या लिखा गया है, 2 3 है ओनली, 2 3। एक नेक्स्ट है MATHE MATHEICS और एक है आपका 1 3 5 7 9। इसको देखने की जरूरत नहीं है, जो राइट साइड के अंदर लिखा गया ना, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स के लेटर है तो इसका तो मैथमेटिक्स साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 6 क्या होगा, 1 2 3 6 है आपका, एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड डिविजन ऑफ 6, ये सब के सब 6 के डिविजन है, क्या है, ये सब के सब 6 के डिविजन है और ये सब के सब नेचुरल नंबर भी है, क्या है, ये सब के सब नेचुरल नंबर भी है, तो इसका जो मैचिंग होगी वो किसके साथ होगी, नेचुरल नंबर एंड डिविजन ऑफ 6। उसके बाद 2 3 हुआ प्राइम नंबर एंड डिविजन ऑफ 6, ये थे नेचुरल नंबर एंड डिविजन ऑफ 6, नेचुरल नंबर एंड डिविजन ऑफ 6, और ये क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एंड डिविजन ऑफ 6, ये क्या है आपके प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी आप सब जानते होंगे कि द नंबर जिसके क्या है ओनली 2 फैक्टर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद बहुत आसान से क्वेश्चन से एक्सरसाइज के अंदर, और हमने सेट्स के अंदर जो चीज पढ़ी है अभी तक जो पढ़ी है, सेट की डेफिनेशन पढ़ी है, मैं एक बार बहुत जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर देता हूँ कि सेट की डेफिनेशन पढ़ी है। सेट की डेफिनेशन क्या थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम वेल डिफाइंड कर सके, दैट इज कॉल्ड एज ए सेट। फिर हमने पढ़ी थी सेट की रिप्रेजेंटेशन, क्या पढ़ी थी हमने, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन में हमने लिखा था रोस्टर, और रोस्टर फॉर्म का दूसरा जो नाम है दैट इज टेबुलर, टेबुलर फॉर्म, और एक हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म, क्या पढ़ा था हमने, सेट बिल्डर फॉर्म भी हमने इसके अंदर पढ़ी थी आपकी। ओके, तो और हमने एक्सरसाइज 1.17 के साथ इसमें हमने कंप्लीट की है। तो आज के लेक्चर में यही था आपका कि जो एक्सरसाइज 1.1 है दैट इज कंप्लीटेड, और आप एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी जो बुक है उसके आप क्वेश्चंस कीजिए विद ऑल एग्जांपल्स, ऑल एग्जांपल भी आपको करने हैं, और प्लस वन की जो नेक्स्ट क्लास है मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी फ्राइडे को होगी, फ्राइडे को होगी, दैट इज 8 AM, फ्राइडे 8 AM आपकी क्लास होगी। और अगेन इन द एंड ऑफ द वीडियो आई रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑल पेरेंट्स कि प्लीज बी स्टे एट योर होम, आप अगर बहुत जरूरी काम है तभी बाहर निकले, और बाहर निकलते वक्त एक चीज का बहुत ध्यान रखें कि आप अपने मुंह को ढक के जरूर निकलिए, मास्क से या जो हमारा सिंपल जो किसी भी कपड़े से आप उसको ढकिए, एंड बी सेफ एट योर होम्स। ओके, आज का जो लाइव सेशन है हम यही समाप्त करते हैं, थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।